चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हसन बिलाल है और उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक नई और ज़बरदस्त वीडियो के साथ आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है शॉर्ट टर्म सेविंग्स सर्टिफिकेट। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौमी मरकज़ी बचत बैंक ने कौन सा ऐसा ज़बरदस्त सर्टिफिकेट है जहां आप बिल्कुल थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 साल के अंदर अच्छा और हैंडसम मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से मुकम्मल तफसीलात शेयर करूंगा और मुकम्मल डिटेल बताऊंगा किस तरह इसको हासिल किया जा सकता है, इसके प्रॉफिट रेट्स कौन से हैं, कितने माह के अंदर कितना प्रॉफिट मिलेगा और बहुत सारी तफसीलात। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब बटन पर लाजमी क्लिक करें और साथ लगे बेल आइकन को पर्सनलाइज करें। वीडियो को लाजमी आखिर तक देखा करें ताकि आप मुकम्मल फीचर्स को बआसानी समझ सकें। तो बात हो रही है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की। एक चीज़ याद रखिएगा कि मरकज़ी कौमी बचत बैंक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का बैंक है, और ये जितने भी सर्टिफिकेट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मरकज़ी कौमी बचत बैंक से रिलेट हैं, ये सारे हुकूमत पाकिस्तान की अप्रूवल से लॉन्च किए जाते हैं। तो इसकी मज़ीद तफसीलात की तरफ चलते हैं, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की तरफ। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो बुनियादी तौर पर आप 10,000 से, 50,000 से, 1 लाख से, 5 लाख से, 10 लाख से, 50 लाख से और 1 करोड़ रुपये से हासिल कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट्स के ऊपर आपको मुनाफा जो है वो उसकी मज़ीद तफसीलात आपको बताऊंगा कि मुनाफा कितना मिलेगा और कितने माह के अंदर कितना मिलेगा, 3 माह के अंदर कितना मिलेगा, 6 माह के अंदर कितना मिलेगा और 1 साल के अंदर आप कितना मुनाफा हासिल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि कौन से लोग हैं जो कि इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हु कैन इन्वेस्ट। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, आर पाकिस्तानी नेशनल्स आर वेल एज वेल एज ओवरसीज पाकिस्तानीज कैन परचेज शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट बींग अ सिंगल अडल्ट, अ माइनर और 2 adults jointly where the payments can be received either by the both joint or any one of the holder joint be. And adult can also purchase short term saving certificate on behalf of a single minor, 2 minors jointly or as a joint with a minor. यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तानी कोई भी या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं वो ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा माइनर जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो भी हासिल कर सकते हैं, और अगर आप इसको जॉइंटली हासिल करना चाहते हैं तो उसकी ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये तो होगी बात कि किस तरह इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या कौन से लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाउ टू परचेज़। अगर हम बात करें कि इसको ख़रीदना किस तरह है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कैन बी परचेज फ्रॉम एनी नेशनल सेविंग सेंटर बाई फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम ऑल नेशनल सेविंग ब्रांचेस। आपको जो है वो इसको ख़रीदने के लिए आप किसी भी नेशनल सेविंग या कौमी मरकज़ी बचत बैंक की ब्रांच में विज़िट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसके साथ जो है वो आपको CNSE की कॉपी देनी पड़ेगी। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी या फॉरेन कंट्री में रहते हैं तो फिर आपको NICOB कार्ड जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप बींग अ माइनर ये हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको बे फॉर्म या चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि नादरा इशू करता है, वो फ्राहम करना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल सकता है, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात होगी कि मूड ऑफ डिपॉजिट क्या है, किस तरह आपने ख़रीदना है, यानी कि मूड क्या है इसका, पेमेंट किस तरह करेंगे आप। तो मूड ऑफ डिपॉजिट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देखें कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स कैन बी परचेज्ड बाय डिपॉजिटिंग कैश एट द इशूइंग ऑफिस बाय प्रेजेंटिंग चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि आप ये जो है वो चेक के थ्रू भी ले सकते हैं, ड्राफ्ट के थ्रू भी और पे ऑर्डर के थ्रू भी। द सर्टिफिकेट शैल बी इशूड इमीडिएटली अगेंस्ट द कैश पेमेंट, हाउएवर इन केस ऑफ डिपॉजिट थ्रू चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर द सर्टिफिकेट शैल बी इशूड विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ द चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर आफ्टर रिसीविंग द क्लियरेंस एडवाइस। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो कहते हैं कि अगर तो आप फौरी तौर पर कैश के जरिए हासिल करेंगे तो उसी वक्त आपको जो है वो ये सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा, लेकिन अगर आप चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी पता है कि चेक, ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू उसकी क्लियरेंस का कुछ टाइम होता है पेमेंट का, तो उसके बाद फिर आपको इशू किया जाएगा, यानी कि इसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट की, कितनी इन्वेस्टमेंट से आप ये खरीद सकते हैं। ये तो मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ कि इसको ख़रीदने के लिए कम अज़ कम 10,000 चाहिए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ तक के अमाउंट के साथ जो है वो ये सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एनकैशमेंट की, एनकैशमेंट क्या चीज़ है। देखिए एनकैशमेंट मैं अपनी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, बेसिकली एनकैशमेंट ये होती है, यहाँ पर भी जैसे लिखा हुआ कि शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट्स शैल बी एनकैश्ड एट द
ऑफिस ऑफ द इश्यूज बट नॉट अर्लियर देन वन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूज, हाउ एवर प्रॉफिट शैल बी ड्यू ऑन कम्प्लीशन ऑफ द मेजोरिटी पीरियड। अब यह है कि आपने इसको 3 माह के लिए सपोज कर लें बुक करवाया, तो आप कम अज कम 1 महीने से पहले इसको एनकैश नहीं करवा सकते। याद रखिएगा, आपने 3 साल के लिए, 6 साल के, 6 माह के लिए या फिर 1 साल के लिए अगर आपने अपना शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट बुक करवाया, तो उसकी कम अज़ कम जो मुद्दत है इनकैश करने की वो 1 माह की है। तो 1 माह से पहले आप उसको विड्रा नहीं करवा सकते, ना उसके पेमेंट हासिल कर सकते हैं। हाउ एवर प्रॉफिट शैल बी ड्यू ऑन द कम्प्लीशन ऑफ द मेजोरिटी, और जो प्रॉफिट है वो आपका ड्यू होगा मेजोरिटी के ऊपर, यानी कि आपने इनकैश तो करवा लिया लेकिन जो 1 माह का प्रॉफिट है वो भी आपको जितने माह के लिए आपने बुक करवाया था उसके बाद ही मिलेगा, उससे पहले आप प्रॉफिट भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये बात होगी हमारे पास कि हम किस तरह इसको ख़रीद सकते हैं, मोड ऑफ डिपॉजिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या होगी, इनकैशमेंट के हवाले से भी बता चुका हूँ। अब बात करते हैं रेट ऑफ़ रिटर्न की, प्रॉफिट रेट्स क्या हैं। देखें, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि कौमी मरकज़ी बचत बैंक जो है वो बड़े ज़बरदस्त रेट्स के साथ जो है वो अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह देता है, और इसकी जो है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मार्केट वर्थ है। आप इसको इनकैश करवा सकते हैं, आपके पास जो है वो एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की प्लानिंग है, आप अपना आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट रेट्स के हवाले से। प्रॉफिट रेट्स यहाँ पर मैंने इसका जो है वो एक फाइल ओपन की है जहाँ पर इनके प्रॉफिट रेट्स जो है वो मेंशन है। बेसिकली इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर 2012 से लेकर अब तक के जो है वो प्रॉफिट रेट्स मेंशन कर दिए हैं। तो थोड़ी आपको प्रीवियस हिस्ट्री भी इसकी बता देता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये सर्टिफिकेट जो है वो एक तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इशू है, और दूसरे नंबर पर इसकी मार्केट वर्थ कितनी ज़्यादा है। देखें, ये लॉन्च किया गया था पहली दफ़ा 1/7/2012 में, जो इन्होंने प्रॉफिट रेट्स यहाँ पर मैंशन किए हैं। तो पहले जो इन्होंने सबसे पहले रेट्स दिए थे वो 11.28 थे 3 माह के लिए, और उसके बाद 6 माह के लिए इन्होंने 11.34 रेट कर दिए थे, और उसके बाद 1 साल के लिए 11.40। मैं आपको 2022 के रेट्स भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा आपको हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जो है वो इसमें इंटरेस्ट लें, आपको पता चले कि कितना मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं जैसे स्टार्ट में बता चुका हूँ, ये जितने भी प्रॉफिट हैं ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर बताए जा रहे हैं, ना कि 10,000 के ऊपर, 50,000 के ऊपर या 60,000 के ऊपर। ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के हवाले से है। तो इसी तरह अगर आप 10,000 का सर्टिफिकेट हासिल करते हैं तो उस हिसाब से आप अपने प्रॉफिट कैलकुलेट खुद कर सकते हैं, लेकिन ये 1 लाख के हवाले से याद रखिएगा। ये ना हो बाद में आप कहें जी मैंने वीडियो में गलत बयानी की, ऐसा कुछ नहीं है। ये 1 लाख की पेमेंट या 1 लाख की इन्वेस्टमेंट के ऊपर का ये प्रॉफिट मैं बता रहा हूँ। अगर 2012 का उन्होंने एक एनालिसिस दिया हुआ है कि 1 लाख के ऊपर 2012 में इन्होंने 3 माह की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2820 रुपये प्रॉफिट दिया था, 6 माह की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5,670 रुपये, और 1 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर 11,400। एक चीज़ याद रखिएगा, प्रॉफिट जो है वो आपको मुद्दत पूरी होने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी तरह आप बाकी सालों के देख सकते हैं, 2012, 2013, 2014, 2015, इसी तरह 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2021 में जो इन्होंने रेट्स ऑफर किए थे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, 2021 के रेट इन्होंने थोड़े कम हो गए थे किसी वजह से। यहाँ पर देखें 2021 में 6.60 रहा है, फिर इसी तरह 6 माह के लिए 6.80 रहा है, और इसी तरह 1 साल के लिए 6.80 रहा है। लेकिन अब 2020 के अंदर दोबारा से इन्होंने बेहतरी की है, और 2022 के अंदर इन्होंने दोबारा बेहतरी की है, 2022 के अंदर बड़े अट्रैक्टिव रेट्स इन्होंने दिए हैं। अट्रैक्टिव रेट्स इस तरह देख लें आप कि अभी जो मार्च का महीना गुजरा है उसमें, उससे लेकर अब तक का जो इनका रेट चल रहा है वो, अगर आप 3 माह के लिए 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट बुक करते हैं तो फिर 10.40 यानी कि 10.40% जो है वो ये प्रॉफिट दे रहे हैं, और तकरीबन 2600 रुपये बनता है 3 माह का। याद रखिएगा, ये 3 माह का और 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। इसी तरह आप ये इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं 6 माह के लिए तो फिर इसका प्रॉफिट बनेगा 10.60, और प्रॉफिट बनेगा 5,300 रुपये। और अगर इसी तरह ये इन्वेस्टमेंट आप लेके चले जाते हैं 1 साल के लिए तो इसका प्रॉफिट बनेगा 10.70%, यानी कि तकरीबन 10,700 रुपये 1 साल का। तो ये इन्वेस्टमेंट है 1 लाख के ऊपर। नीचे उन्होंने वाजह तौर पर अपना लिखा भी हुआ, द अबव पेबल अमाउंट हैव बीन वर्कड आउट ₹1 लाख, यू कैन इजीली कैलकुलेट योर इन्वेस्टमेंट बाय डिवाइडिंग द रेलेवेंट अमाउंट ऑफ द टेबल विद 1 लाख एंड देन मल्टीप्लाइंग विद द अमाउंट यू हैव इन्वेस्ट। याद रखिएगा, ये 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप 10,000 का बुक करवाते तो आप इसी रेशो के साथ अपनी 10,000 के इन्वेस्टमेंट का भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये था आज की मेरी वीडियो के अंदर। इसके अंदर मैं एक और भी चीज़ आपके साथ ऐड करता चलूँ कि ये जो शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट है, ये कोई भी पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर या ओवरसीज़ पाकिस्तानी माइनर
या कोई भी पाकिस्तानी बंदा जो है वो इसको आसानी के साथ हासिल कर सकता है नेशनल सेविंग बैंक की किसी भी ब्रांच के साथ। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और एक नई और ज़बरदस्त सर्टिफिकेट के हवाले से आपने चीज़ सीखी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।